प्रदेश के जिला मुरादाबाद के जिला अस्पताल में सोमवार को कोरोना वायरस आशंकित एक मरीज के भर्ती होने से हड़कंप मच गया। अनान फानन में डॉक्टरों की टीम से उसका चेकअप शुरू किया, जहां कोरोना के लक्षण उसमें नहीं पाए गए। वहीं जिला अस्पताल में पहुंची एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें फोन पर कोरोना वायरस आशंकित मरीज होने की जानकारी लखनऊ से मिली थी, जिसके बाद मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र से मरीज को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात रही कि अस्पताल स्टाफ ने इसकी जानकारी लखनऊ को दे दी कि यहाँ कोरोना आशंकित मरीज भर्ती किया गया है। सीएमएस ज्योतास्तना पंत ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, अस्पताल स्टाफ द्वारा गलत जानकारी आगे प्रेषित की गई है, जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके बाद स्टाफ पर एक्शन लिया जाएगा। उधर परिवार के को भी होश उड़ गए थे कि उन्हें डॉक्टर ने यह कहकर रेफर किया है कि कोरोना का यह इलाज नहीं है, आप मेरठ चले जाओ। खुद पीड़ित गंभीर मरीज भी स्ट्रेचर पर लेटे हुए परेशान दिखाई दे रहा था। बहरहाल जिला अस्पताल की लापरवाही से किसी और बीमारी से ग्रस्त मरीज को कोरोना संदिग्ध बताकर रेफर किए जाने से हड़कंप मच गया था और मरीज के जीवन में खिलवाड़ का और झकझोर देने वाला मामला लगभग 3 घंटे तक मुरादाबाद के जिला अस्पताल में चलता रहा, जो मुरादाबाद जिला अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहा है। मुरादाबाद से वाजिद अली की रिपोर्ट। ये लड़का है मेरा। कहाँ रहते हैं आप लोग? मोहल्ला अम्बेडकर नगर में, मुरादाबाद में रहते हैं। तो क्या परेशानी हुई थी इसे? इसे परेशानी क्या है, 15-20 दिन तो हम दवाई इधर उधर के खिलाते रहे, सही नहीं हुआ। फिर इससे उल्टियाँ कर रही, जो भी खवा उल्टियाँ, फिर गले में दर्द इसके, और इसने फिर सुबह भी दवाई दी, बोतल चढ़ाई, फिर और ज़्यादा हालत बिगड़ गई इसकी, फिर रेफर कर दिया। नहीं, मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में कब लाए थे आप यहाँ? सुबह लाए थे हम, तो रात, कल रात। अब इसकी तबीयत कैसी है? सही नहीं है तबीयत। कहाँ ले जा रहे हैं? सही मेरठ ले जा रहे हैं। क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ये कहा है कि इसको बीमारी है, वो जो चल रही है। क्या चल रही है? कोरोना? कोरोना, कोरोना। तो इसी के लिए, इसी के इलाज के लिए, इलाज के लिए, कोरोना के इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं हम। तो यानी कि मुरादाबाद में नहीं है इसका इलाज? ये मुरादाबाद में मना कर दिया, बोले यहाँ इलाज मेरठ, मेरठ इलाज को कह दिया, मेरठ ले जाओ इसको। पता है कौन से डॉक्टर इलाज कर रहे थे इसका? ये नहीं पता हमें। तो कुल कितने दिन हो गए इनके लिए, बीमारी के लिए, यहाँ के लिए? नहीं, अब तक कितने दिन से बीमार है ये? 20। शिकायत क्या है? वही है, पोरोलेस चल गया, क्या चल गया है, यही बीमारी जो चल रही है हवा। तो कहीं बाहर गए थे ये मुरादाबाद? नहीं, मुरा मेहनत मजदूरी करते हैं, बाहर कहाँ जाएंगे साहब, बाहर कहाँ जाएंगे। होली से है ये? हाँ, होली। ये कौन आपके बेटे? बेटे। क्या आपके बेटे को कोरोना है? डॉक्टर साहब ने बताया था हमें, तो हम क्या जाना क्या है क्या नहीं है, हम तो ये कह रहे थे इलाज कर दो साहब, कैसे होगा। तो यही जो डॉक्टर है उन्होंने बताया? उन्होंने ही बताया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ये क्या कोरोना साहब है, ये मेरठ ले जाओ इसको, यहाँ इलाज नहीं है इनका, नहीं मशीन है, कुछ भी नहीं है यहाँ। बोले मैं पेपर बनाता हूँ, आप ले जाओ। सुबह से भटक रहा है, परेशान हो रहा था हम सुबह, परेशान मतलब सुबह से पड़े हुए, समझ लो सुबह से पड़े हुए, कभी कहीं भेजते हैं कभी कहीं भेजते हैं। अब कहाँ भेज रहे हैं? मेरठ को भेज रहा है, अब लिख दिया सुबह ही मेरठ ले जाओ। फिर अपने आप 1 घंटे बाद आए, बोले अब क्या करोगे इसका, बोले ले जाओ मेरठ आप, है ना, हमारे पिताजी से कह रहे थे। तुम कहीं बाहर तो नहीं गए थे? नहीं सर, मैं बाहर। तुम्हें क्या बीमारी बताई डॉक्टर साहब ने अंदर? डॉक्टर साहब ने सर मुझे तो कुछ नहीं बताया, पापा से बात करी थी, पापा जी से, और मैं तो बेड पे लेटा था, कम से कम आधे घंटे बाद आए, एकदम मेरे ऑक्सीजन लगा दिया मुंह पे, ऑक्सीजन लगा के मेरे मुंह पे, मुझे कम से कम 1 घंटा आराम मिला, फिर उससे ज़्यादा और खतरनाक वो हो गया मुझे। कब से परेशानी है तुम्हें? मुझे तो कम से कम हो गए करीब 17-18 दिन हो गए सर, है ना। क्या करते हो? सर मैं टेम्पो चलाता हूँ सर। नाम क्या है? नाम मोहन थे नहीं सर मेरा। चिंता मत करो, सही जाओगे। धन्यवाद सर जी। शशिकांत जी, 108 पे आप चलते हैं, उसके स्टाफ हैं, एक पेशेंट जिला अस्पताल मुरादाबाद से ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं और उसे क्या बीमारी है? जी हमारे पास 108 पर अभी कॉल आई, तो ERO जी ने, जो हमारे सर हैं, कॉल करते हैं हमारे लिए, बताते हैं कि क्या केस है
और कहाँ से कहाँ के लिए जाना है, रेफर है या लोकल का केस है। तो हमारे पास 108 पर सीयूजी पर कॉल आई थी हमारे पास, ये एक रेफर केस है और जिला अस्पताल मुरादाबाद से रेफर है मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए और कोरोना वायरस सस्पेक्टेड बताया गया था हमारे लिए। अच्छा, ये वाली कॉल आपके पास कहाँ से गई है? जी, ये कॉल जो है यहाँ से लखनऊ जाती है, पहले जो भी मतलब मरीज का अटेंडेंट है वो कॉल करता है, एक मिनट, वहाँ से ट्रांसफर होकर हमारे पास आती है। तो आप क्या हुआ? तो गाड़ी इन लोगों ने बुलाई थी रेफर के लिए, हम लोग रेफर के लिए आए हैं यहाँ पर, तो अभी देख रहे हैं जाएगा मरीज नहीं जाएगा। कितनी देर हो गई? कितनी देर हो गई यहाँ पर? हमें यहाँ पर आधा घंटा समथिंग हो गया। अस्पताल स्टाफ से आपकी बात हुई थी, अस्पताल स्टाफ वालों ने क्या बताया था मरीज के बारे में? फोन उठाने वाले स्टाफ में अभी स्टाफ नर्स से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस सस्पेक्टेड है, इसीलिए वहाँ से हमारे लिए बताया गया था कि कोरोना वायरस सस्पेक्टेड है। अच्छा, मरीज यहाँ से बताते हैं, जो पेशेंट को दिक्कत होती है वही वो लोग हमारे लिए बताते हैं। मरीज को अंदर से आपने एम्बुलेंस तक शिफ्ट कर लिया और फिर वापस अंदर वार्ड में चला गया वो? जी, उस चीज की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कहाँ से लाए थे ये? अम्बेडकर नगर मुरादाबाद से लेके आए थे, मोहल्ला है अम्बेडकर नगर, थाना इनका कटघर पड़ता है, जिला मुरादाबाद। मरीज का नाम क्या है? मरीज का नाम मोनू है, मोनू सैनी। उम्र कितनी है? उम्र 24 साल। बताया जाता क्या पूरा मामला है, कौन था, किस तरह की बीमारी थी? मरीज जिसको अभी हम लोगों ने देखा है और जिसे भेजा गया है, उसको हमारे चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण शाह द्वारा देखा गया और उसकी डायग्नोसिस है बाइलैटरल ट्यूबरकुलोसिस विद न्यूमोनाइटिस। जब उसको 108 के लिए हमारे यहाँ से वो जो पेशेंट का फोन नंबर होता है उससे फोन किया जाता है और उसमें स्टाफ नर्स फिर ओके करती हैं, उसको बताती हैं, उसमें किसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस के साथ में कोरोना, क्योंकि इस समय इतना उसकी बात हो रही है, न जाने कैसे, या तो कहने या सुनने में कहीं गलती हुई, तो उसको हमारे यहाँ से जो स्टाफ थी उन्होंने कोरोना कह दिया। पर जैसे ही हमें और हमारे नोडल डॉक्टर प्रेमी भी यहाँ पर मौजूद हैं, चिकित्सा अधीक्षक भी हैं, हम लोगों को तुरंत जो ALS और 108 हमने लगाई है उन्होंने तुरंत हमें इन्फॉर्म किया, क्योंकि पहली बात तो यह है कि कोरोना के पेशेंट के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बना है, तो जब किसी दूसरे वार्ड से कॉल आई तो तुरंत उन्होंने फोन लगाया और तुरंत हम लोग यहाँ पर वार्ड में आए हैं अपने ऑफिस से और इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करके दोबारा हमने 108 से बात करी है और उन्हें इसका जो एक्चुअल डायग्नोसिस है वो बता दिया है और उसी डायग्नोसिस के साथ वो अपने जहां जाना है वहां के लिए रवाना। डॉक्टर साहब, ये हुआ क्या कि एक तरह का पैनिक हो गया, स्टाफ की कमी है या अनट्रेंड स्टाफ है, क्या हुआ, क्या लखनऊ तक रजिस्टर्ड हो गया पूरा मामला? पैनिक की बात नहीं है, बात ये है कि एक ड्यूटी में वो रेफर हुआ 2 बजे से पहले और 2 बजे के बाद वाली स्टाफ ने उसके लिए 108 बुलाई और दोनों के बीच में लिखित में कोई इस तरह का डायग्नोसिस का ओवर नहीं है। डायग्नोसिस हम सभी ने देख ली है, आप भी देख सकते हो। तो ये लापरवाही है ना मैडम? लापरवाही की गई है वो दूसरी है और जो उन्होंने फोन पर बताई वो दूसरी थी। मैम, तो ये तो पूरी तरह से लापरवाही सामने आ रही है कि जिस तरह से कोरोना जो है वो इमरजेंसी घोषित हो चुकी है पूरे देश के अंदर। जिस तरह से हम लोग 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर बैठे हैं ये पता चलने के बाद, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना गंभीर विषय है और लिखित में अभी ही दफ्तर में जाके मैं इनसे एक्सप्लेनेशन लूंगी और कल को हमने इन सब की एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी रखी है। ऑल्दो इन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है पहले, पर इसी सब को देखते हुए दोबारा इनकी ट्रेनिंग रखी है और दोबारा से हम सब लोग और WHO की टीम भी बुलवाएंगे और इनको सेंसिटाइज करेंगे कि ये कोई ऐसे खाली खांसी जुकाम वाली बीमारी नहीं है और इसका नाम लेने से पहले उन्हें बहुत सजग होना है और बहुत सोच समझ के ही बोलना है। जो डॉक्टर जो पैसे वो थी स्टाफ नर्स, किस समय ड्यूटी चेंज हुई थी, अभी टाइम क्या हुआ, कितना लगभग पीरियड रहा होगा वो तब का? 2 बजे ड्यूटी चेंज होती है, मतलब 2 से 2:30 बज जाता है ड्यूटी चेंज होते हुए। पर ये पेशेंट जो बताया जा रहा है ये एक दिन पहले जो है रात 10 बजे से यहाँ पे एडमिट है। जी जी, इसको रात देखा गया था और अभी सुबह भी देखा गया है डॉक्टर प्रवीण शाह द्वारा और उन्होंने ये पाया कि इसकी जो
बीमारी है, गंभीर है और इसके लिए इसे बाहर भेजना जरूरी है, वो तो डॉक्टर डिसाइड करता है जो उसका ड्यूटी होता है। तो कहीं ना कहीं कमियां नजर आई उसमें, बहुत बड़ा गैप है जिसके लिए उनको दंडित भी किया जाएगा और उनसे पूछा भी जाएगा कि ये ऐसा कैसे। क्या नाम है उनका? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.